कोरोना महामारी के कारण भारत में एक ऐसा समय आया था जब इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया गया था। उस लॉकडाउन के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो अस्पतालों में ये समस्या आ रही थी कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा किसी जरूरतमंद को रक्त नहीं मिल पा रहा था। चूँकि रोड पर प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त था जिस कारण से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसी दौरान इस समस्या को संज्ञान में आते हुए रक्त की आपूर्ति पूर्ण कराने के लिए इसका जिम्मा उठाया जनपद बाराबंकी के बालाजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक श्री अंकुर माथुर जी ने। हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में, जहां पर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर या अपनी पूरी शिक्षण टीम के साथ, पूरी शैक्षणिक टीम के साथ रक्तदान करने आए हैं। हम जानते हैं इनसे कि इनको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। अंकुर माथुर जी, द इंडियन ओपिनियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, आप शिक्षक दिवस पे अपने पूरे शैक्षणिक टीम के साथ यहाँ पर आकर रक्तदान कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जनता को, आप जनमानस को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिस समय लॉकडाउन हुआ था और कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान था और लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान हम लोग को दो बस्ती हम लोग ने ली थी जिसमें हम लोग खाना बांटने का काम करते थे। हमारे स्कूल के टीचर्स स्कूल में ही खाना बनाते थे और खाना बना करके हम लोग बस्तियों में निकलते थे खाना बांटने के लिए। उसी दौर हम लोगों को एक लेडी ऐसी मिली जिसको ब्लड की ज़रूरत थी, और चूंकि लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, प्रशासन भी बहुत सख्त था, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, तो उसको डोनर नहीं मिल रहा था और ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी थी। वो जब हम लोगों से मिली और उसने ये चीज़ हमसे कही, तो हमने यहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर शुक्ला सर, उनसे हमने इस चीज़ को बोला कि सर ऐसी ऐसी चीज़ आ रही है और किस तरीके से हम लोग इसमें एक कैंप करा करके इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो सर ने सुझाव दिया कि आप लोग एक बहुत बड़ा कैंप ना कराएं, लेकिन अगर आप रोज़ एक या दो ब्लड डोनेट कराते हैं तो ये होगा कि ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा और लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। इस बात को जब स्कूल प्रशासन ने सुना और आपस में बैठ करके चर्चा करी, तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग प्रतिदिन 2 से 3 यूनिट ब्लड डोनेट करवाएंगे, जिससे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो भी गाइडलाइन आई है उसको हम लोग पूरा पालन करें। हम लोगों ने लगातार 30 दिन तक ब्लड डोनेट कराया और लगभग 73 यूनिट हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया ज़िला अस्पताल को। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इतनी अच्छी ये मुहिम हम लोगों ने शुरुआत करी और इसको कभी हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया। अच्छा, ये ब्लड डोनेट करने में आपको आम जनमानस का कहाँ तक का सहयोग मिल रहा है? अगर आप पूछिए तो हर एक आदमी, क्योंकि आदमी के अंदर डर तो है कि हॉस्पिटल जाना होगा और संक्रमण फैल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो हर एक इंसान तैयार है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इंसानियत के लिए आज खड़ा हुआ है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बस ये है कि उनको श्योरिटी देनी पड़ती है। वो भी हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और हम लोग ज़रूर उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं जिसके हमारे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और बाराबंकी वासी पूरा इसमें हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को कर पाएँ, तभी हम लोग ने ये चीज़ डिसाइड कर पाए कि हम लोग हर माह की 6 तारीख को ब्लड डोनेट करेंगे। फिर चूँकि कल फिर से लॉकडाउन है, संडे है, सब कुछ बंद रहेगा, प्रशासन की गाइडलाइन है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 6 तारीख को ना करके हम लोग 5 तारीख को करेंगे। तो आज शिक्षक दिवस हम लोगों ने डिसाइड किया कि सारे शिक्षकों के साथ हम लोग यहाँ पर मनाएंगे और ब्लड डोनेट करवाएंगे। अभी आगे भविष्य के क्या कार्यक्रम हैं? ऐसे ही कार्य निरंतर चलता रहेगा? और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके स्टाफ में यहाँ पर महिला शिक्षिकाएँ ज़्यादा उपस्थित हैं, क्या इन महिलाओं के द्वारा भी रक्तदान किया जा रहा है? इसमें कितना सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ करीब 90% जो टीचर्स हैं वो शिक्षिकाएं ही हैं, पूरा लेडीज स्टाफ हमारे यहाँ है। और आप यकीन मानिए कि जब से लॉकडाउन हुआ, चाहे बच्चों की वो पढ़ाई हो, जो बच्चों को घर में करनी थी, टीचर्स ने अपने घरों से वीडियोज़ बनाए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, और जब ब्लड डोनेशन की बात आई और आज के दिन की बात आई, तो टीचर्स ने खुद कहा कि हम लोग सर, हम लोग भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने घरों से परमिशन ली और परमिशन लेकर के आज लेडीज़ टीचर खुद निकल करके आई। आज जैसे देख रहे हैं कि उन लोग खुद आई और आज जैसे हमने ब्लड दिया, और हमारे बाद आज जितनी भी लेडीज़ टीचर थी सब लोग ने अपना चेकअप कराया और सब लोग आगे बढ़ के आई ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी एक जोश, एक जुनून है कि हम लोग दूसरों के, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए महिलाएँ ही हम लोगों को ज़िंदगी देती हैं, और आज महिलाएँ आगे बढ़ के ज़िंदगी बचाने का भी काम कर रही हैं। इसी के क्रम में हम बात करेंगे अंकुर माथुर जी के विद्यालय की महिला शिक्षिका ऐना खान जी से, और हम उनसे जानेंगे कि उन्हें रक्तदान करने के बाद कैसा लग रहा है और वो और लोगों को, और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहती हैं। ऐना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप लगातार ब्लड डोनेट कर रही हैं या आप पहली बार यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आई हैं? सर, ये मेरा पहली बार था, आज मैंने फर्स्ट टाइम किया है। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में आज पहली बार ब्लड को डोनेट किया है, एंड यकीन मानिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड और बहुत ही ज़्यादा गर्व फील हुआ ये करके, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, और मैं ज़रूर से आगे से आगे ज़रूर इन चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप स्वयं इसको कंटिन्यू करेंगी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जागरूकता भी लाना लोगों में आवश्यक है। आप जागरूकता के लिए क्या करेंगे ताकि लोग और प्रेरित हो सकें और आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान के कार्यक्रम में हिस्सा लें, इसके लिए आपके क्या तैयारियां हैं उसके बारे में बताएं। सर, जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि जहां तक हम लड़कियों की बात है, सबसे ज़्यादा एक मन में शंका होती है, डर होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, पहली बार है, जैसे मेरे मन में था, और यकीन मानिए करने के बाद ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। तो ये फीलिंग मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ताकि जो भी लोग इस डर की वजह से आगे नहीं आ पा रहे वो ज़रूर से ज़रूर आगे आएँ। तो आपने देखा कि यहाँ जनपद में अंकुर माथुर जी के द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा रक्तदान की कार्यवाही की जा रही है, और जो बात कही जाती है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, वो कार्यक्रम यहाँ निरंतर चल रहा है। जैसा कि अंकुर माथुर जी के द्वारा बताया गया है कि इसकी प्रेरणा उनको जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर शुक्ला जी के द्वारा मिली है। हम बात करेंगे डॉक्टर SK शुक्ला से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय बाराबंकी के प्रभारी डॉक्टर SK शुक्ला जी के पास, और इनसे जानते हैं कि कैसे इनके द्वारा इस कार्यक्रम का संयोजन कैसे कुशलता से किया जा रहा है। डॉक्टर शुक्ला जी, आपका द इंडियन ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपने अंकुर जी को रक्तदान के शिविर के बारे में बताया, क्या विचार आपके मन में आए जिस कारण आपने ऐसी प्रेरणा दी, और कैसा आपको लगा जब आपकी प्रेरणा फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रही है? नितेश जी, जैसे मैं रक्त कोष प्रभारी हूँ, तो मेरा तो ये दायित्व ही है कि मैं लोगों को प्रेरित करूँ रक्तदान के लिए। खासियत या खूबी उस व्यक्ति में होती है कि जो हमारे समझाने पे या कहने पे प्रेरित होता है, और प्रेरित अक्सर वही लोग होते हैं जिनके अंदर समाज के प्रति अच्छी भावना होती है, समाज की सेवा करने की भावना होती है। तो अंकुर जी पहले से समाज सेवा में लगे हुए थे, इसके पहले भी वो बालाजी बचपन में अपने स्कूल में 2 कैंप करवा चुके थे। तो इस बार लॉकडाउन में वो जगह जगह लोगों को खाना खिलाने के लिए पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसी बीच रक्तदान करने के लिए भी आए, और थोड़ा सा इधर समय ज़्यादा मिला, हम लोग बैठ के बात किए, तो चूंकि समाज के प्रति उनकी भावना तो है ही सेवा करने की, तो उनके समझ में आया कि नहीं, जैसे बीच बीच में हम कैंप करा देते हैं केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत तो लगातार पड़ती है। इस जनपद में जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो एक फाउंडर है रक्त कोष के मामले में, जिसके द्वारा रक्तदान हर 15 तारीख को किया जाता है और ज़रूरतमंदों को ब्लड उसी की वजह से मिल पाता है, तो अंकुर को भी ये चीज़ें समझ में आई। उन्होंने लगातार 1 महीने तक रक्तदान किया और यहाँ पे लोगों को, ज़रूरतमंदों को देखा अपनी आँखों से कि कैसे लोग आते हैं ब्लड के लिए जिनके साथ कोई नहीं होता है देने वाला। तो युवाओं को, लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन आप कैसे कर रहे हैं, जो रक्तदान करते हैं उनका उत्साहवर्धन आपके स्तर से कैसे किया जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से यही है कि लोगों को जानकारी देना, देखिए इतनी समाज में ज़रूरत है रक्त की, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, जब तक लोगों को ज़रूरत पड़ती नहीं ब्लड की, तब तक उनके समझ में नहीं आता रक्तदान हम क्यों करें, करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब अपनी आँख से देखते हैं या खुद को ज़रूरत पड़ती है, तब उनके समझ में आता है कि नहीं, ये रक्त ऐसी चीज़ है जो कि सरकारी सप्लाई में नहीं आती है, ये हर जनपद को एक जिम्मेदारी होती है कि अपने जनपद के लिए वो ब्लड की व्यवस्था करे, और साथ में जो हम अधिकारी लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जनता को जागरूक करें और वो रक्तदान करते रहें ताकि ज़रूरतमंदों का काम चलता रहे। और डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी बात है, लोगों में एक भय बना रहता है कि डर देने से कोई समस्या हो सकती है, अथवा कितने समय के बाद दोबारा वो ब्लड दे सकते हैं, इन सब जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर, जो डर हैं, उसके बारे में ज़रा हमें संक्षेप में बताएं। नितेश जी, देखिए ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो, 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो और 65 साल के अंदर हो। बाकी जो क्राइटेरिया है, हम लोग कोई भी रक्तदान करने आता है तो सबसे पहले उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, और इसके बाद कुछ जांचें होती हैं, उन जांचों में जब वो फिट होता है तब उसका ब्लड लिया जाता है, और इस तरह से ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है, ना कोई उसे तकलीफ होती है, बल्कि फ़ायदा ही होता है रक्तदान से, रक्तदान से कोई नुकसान नहीं है।
हम बात कर रहे थे वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर एस के शुक्ला जी के से, और डॉक्टर शुक्ला जी के समय से जैसे कि ये यहाँ पर कार्यरत हैं, लेकिन इनके द्वारा लोगों को रक्त जमा करने के लिए, रक्त देने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है और यह निस्संदेह ही एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि शुक्ला जी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क करके उनको रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके क्रम में आपने देखा कि जनपद बाराबंकी के विद्यालय के प्रबंधक अंकुर जैन के द्वारा शिक्षक दिवस एवं कोरोना के समय से लगातार ब्लड डोनेशन का कार्य किया जा रहा है, और उनके द्वारा बात करने पर बताया गया कि भविष्य में भी उनके द्वारा ये कार्य और वृहद स्तर पर किया जाएगा। समाज के लिए रक्तदान करना एक बहुत आवश्यक चीज़ है। द इंडियन ओपिनियन आप सभी से अपील करता है, यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपको कोई समस्या नहीं है, तो रक्तदान कर आप किसी की जान बचा सकते हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसीलिए हमने ये लाइक की थी जी। दरअसल